नमस्कार, मैं अनुष्का। आज है 14 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से शुरू हुआ सावन, बिहार में कांवरियों को मिलेगी ये बड़ी सुविधाएं। बिहार में अभी नहीं होगी बारिश, तेज धूप से लोग होंगे परेशान। बिहार में पोस्ट ऑफिस में मिलेगी गंगोत्री का पवित्र गंगा जल। सरकारी अस्पतालों में बढ़ेगी पैथोलॉजी जांच की सुविधा। पंचायती राज विभाग ने मांगा ग्राम कचहरी सचिवों के कार्यों का मूल्यांकन। तो आइए अब एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से शुरू हुआ सावन, बिहार में कांवरियों को मिलेगी ये बड़ी सुविधाएं। आज से भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय महीने सावन की शुरुआत हो गई है। सावन महीने में खास तौर पर शिव भक्त कांवरिये अपने कांवड़ में जल भरकर विभिन्न बड़े शिव मंदिरों में पहुंचते हैं। खास करके लाखों कांवरिया इस दौरान भागलपुर के सुल्तानगंज से गंगा जल भर के बाबा धाम यानी कि देवघर जाते हैं। ऐसे में बिहार सरकार पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके साथ ही पर्यटन विभाग की ओर से तैयार कांवड़ यात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से कांवड़ियों को धर्मशाला, पुलिस और अन्य कई सुविधाएं मिलेंगी। ऐप में कांवड़िया सर्किट के अंतर्गत आने वाले भागलपुर, मुंगेर व बांका से सूचनाएं लेना आसान होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार सरकार 44.72 लाख की लागत में कांवड़िया परिपथ का विकास कार्य कर रही है, जिसके कार्यान्वयन में अब तक 4,035 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे राजगीर के गिद्ध शिखर के बारे में। राजगीर में स्थित गिद्धकुट पहाड़ी को गिद्धों की चोटी या फिर वल्चर पीक के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध ने इस स्थान पर अपना दूसरा नियम चक्र चलाया और 3 महीने तक अपने भक्तों को उपदेश दिया। पहाड़ी की चोटी पर जापान के बुद्ध संघ के द्वारा निर्मित एक आधुनिक शांति स्तूप है। आपको बता दें कि इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह एक बैठे हुए गिद्ध जैसा दिखता है, जिसके पंख मुड़े हुए होते हैं। सरकारी अस्पतालों में बढ़ेगी पैथोलॉजी जांच की सुविधा। अब पैथोलॉजी जांच के लिए आपको प्राइवेट लैब में जेब ढीले नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि जल्द ही बिहार के सरकारी अस्पतालों में ही पैथोलॉजी जांच की सुविधा बढ़ने वाली है। इसके तहत राज्य के सभी सरकारी अस्पताल में ही लोग पैथोलॉजी से संबंधित सभी जाँच करा सकेंगे। दरअसल बिहार सरकार को केंद्र से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1,119 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस राशि की अनुशंसा राज्य सरकार ने सभी जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्था के बेसिक ढांचे का विकास करने के लिए किया था, जिसके बाद इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को मंजूरी मिल गई है। इससे अब सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी जांच के साथ ही मरीजों को ब्लड टेस्ट, यूरिन जांच, स्टूल टेस्ट, ब्लड ग्रुप चेक समेत कई जांच की सुविधाएं मरीजों को दी जाएंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली ने निकाली रिक्तियां। राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली ने न्यायिक सहायक, आशुलिपिक, हिंदी अनुवादक, पुस्तकालय अध्यक्ष, स्टाफ कार चालक के कुल मिलाकर 27 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो संबंधित विषय में मैट्रिक, इंटरमीडिएट, मास्टर डिग्री के साथ ही संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले 18 से 32 वर्ष उम्र तक के उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 25 जुलाई 2022 है। आधिकारिक वेबसाइट greentribunal.gov.in पर विस्तृत जानकारी चेक कर सकते हैं। इन पदों से जुड़ी विस्तृत जानकारी और आवेदन करने के लिए इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक भी कर सकते हैं। बिहार के वैशाली जिले से सामने आई एक हाथी की वफादारी। अक्सर हम कहते हैं कि कुत्ते अपने मालिक के वफादार होते हैं, लेकिन बिहार के वैशाली जिले के एक वाकया को जानने के बाद यह कह सकते हैं कि पालतू जानवरों को अगर स्नेह मिले तो वह वफादार ही रहेंगे। जी हां, सोशल मीडिया पर एक हाथी की वफादारी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे वैशाली जिले का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि महावत को लेकर जा रहा हाथी नदी की तेज धार में घाट किनारे जाने का प्रयास कर रहा है। पानी की धारा तेज होने पर कई बार ऐसा लगता है कि जैसे हाथी नदी में डूब गया हो, लेकिन हर बार हाथी महावत को साथ लिए फिर से नदी के जलस्तर के ऊपर आ जाता है। सीएम नीतीश ने लिया जदयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह की तबीयत का जायजा। जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह की तबीयत बिगड़ गई है, जिसे लेकर बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके घर उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे। इस दौरान जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीएम ने उन्हें दिल्ली एम्स ले जाने का आदेश दिया, जिसके बाद बीते शाम ही उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया। आपको बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी उनका हालचाल जानने पहुंचे थे। बताते चले कि वशिष्ठ नारायण सिंह जेपी आंदोलन के अग्रणी नेता थे और लालू यादव के साथ ही भी रह चुके हैं।
बिहार में अभी नहीं होगी बारिश, तेज धूप से लोग परेशान। बिहार में मानसून सक्रिय होने के बाद प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई है, लेकिन प्रदेश में जैसे जैसे मानसून फैलता गया वैसे वैसे मानसून कमजोर भी होता चला गया है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि प्रदेश के कई जिलों में तो अच्छी बारिश हुई, लेकिन कई ऐसे भी जिले हैं जहाँ बारिश बहुत कम हुई है। और अब तो पिछले 2 सप्ताह से प्रदेश के ज्यादातर जिलों के लोग मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे हैं। लगातार पड़ रही तेज धूप से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट में यह बताया गया है कि फिलहाल प्रदेश में बारिश होने की कोई भी संभावना नहीं है। हालांकि विभाग ने यह भी बताया है कि 16 जुलाई के बाद प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो सकती है। साथ ही यह भी बताया गया है कि प्रदेश में इन दिनों छिटपुट बारिश हो सकती है। बिहार सरकार चला रही है एंटी डेंगू माह अभियान। हर वर्ष की तरह इस साल भी जुलाई महीने को बिहार सरकार एंटी डेंगू माह के रूप में मना रही है, जिसके तहत डेंगू से बचाव और रोकथाम के लिए कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस बाबत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी देते हुए कहा कि आम लोगों में डेंगू के फैलाव के प्रति कई माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है, जिसके तहत पानी टंकी एवं घरों के अंदर साफ पानी जमा करने के बर्तनों को ढक कर रखने के विषय में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। साथ ही सरकारी स्कूलों में डेंगू पर क्विज, लेखन और ड्राइंग प्रतियोगिता के साथ ही रेडियो व दूरदर्शन पर संवाद और साक्षात्कार के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है। बायोमेट्रिक हाजिरी पर 1 महीने तक और बढ़ी रोक। बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार के सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी पर लगी रोक को और 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके तहत अब 12 अगस्त तक बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगेंगे। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने इस बाबत सभी विभागों के प्रमुख, प्रमंडलीय आयुक्त, रेंज आईजी, डीआईजी और डीएमएसपी को पत्र जारी किया है, जिसके मुताबिक कोरोना के प्रसार और संक्रमण दर में वृद्धि के चलते सभी सरकारी कार्यालय अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कराने की बायोमेट्रिक व्यवस्था पर रोक लगाने को कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार ने 13 जून को बायोमेट्रिक हाजिरी पर रोक लगाई थी। बिहार में खेतों की मिट्टी हुई खराब। सूबे बिहार समेत देश के कई राज्यों में खेतों की मिट्टी खराब हो गई है। ये बातें सेंटर फॉर साइंस द्वारा कृषि मंत्रालय की मृदा परीक्षण रिपोर्ट के विश्लेषण के बाद सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की मिट्टी के नमूने में नाइट्रोजन गायब हो गया है। नाइट्रोजन की मात्रा 90 से 100% घट गई है, वहीं फॉस्फोरस की मात्रा भी कम पाई गई है। आपको बता दें कि नाइट्रोजन की कमी के कारण बिना उर्वरक के प्रयोग के बिना फसल की पैदावार अच्छी नहीं हो सकती है। इसकी कमी से पौधों का विकास नहीं होता है। कमी के पीछे की वजह बताते हुए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि बिना मिट्टी की जांच के अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग और फसल चक्र को नहीं अपनाने के कारण मिट्टी में आवश्यक तत्वों की कमी हो रही है। इसके लिए फसल चक्र अपनाने और कंपोस्ट खाद का उपयोग करने की सलाह दी गई है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिले के पिटौंझिया गांव में साल 1924 में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और नाई का काम भी करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले कर्पूरी ठाकुर जेपी आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके। उन्होंने 1952 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीता और उसके बाद कभी नहीं हारे। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के रूप में भी जाना जाता है। उनके गाँव का नाम उनके नाम पर कर्पूरी ग्राम रखा गया। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री भी बने। अपने कार्यकाल में उन्होंने जनता के हित में कई अहम फैसले लिए थे, जिसमें शिक्षा में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता खत्म करने, मालगुजारी टैक्स खत्म करने, कक्षा 8 तक की शिक्षा मुफ्त करने के साथ ही SC ST के साथ OBC के लिए आरक्षण लागू करना शामिल है। 17 फरवरी को 1988 में कर्पूरी ठाकुर ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। बिहार में पोस्ट ऑफिस में मिलेगा गंगोत्री का पवित्र गंगा जल। सावन के पवित्र माह में अगर आप भी गंगोत्री के पावन गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेहद आसान हो सकेगा, क्योंकि बिहार के प्रधान डाकघरों में गंगोत्री का गंगा जल उपलब्ध हो गया है। पटना के GPO ने उत्तराखंड से गंगोत्री के पवित्र गंगा जल को स्टॉक किया है, जो कि जल्द ही राज्य के सभी प्रधान डाकघरों में पहुंचा दिया जाएगा। अब तक में सबसे ज्यादा बॉटल गया डाकघर में भेजी गई है, तो वहीं पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, नवादा, मुंगेर, कटिहार, दरभंगा व अन्य प्रधान डाकघरों में भी यह उपलब्ध है। इस एक बोतल की कीमत 30 रुपए निर्धारित की गई है।
18 वर्ष से ऊपर के लोगों को मुफ्त में लगेगी बूस्टर डोज। देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत अब 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को मुफ्त में कोविड की बूस्टर डोज देने का फैसला लिया गया है। इस प्रस्ताव पर बीते दिन ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली, जिसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता किया, जिसके तहत उन्होंने बताया कि कोविड बूस्टर डोज को लेकर देश भर में 15 जुलाई यानी कि कल से 75 दिन के एक विशेष अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसमें सभी 18 प्लस नागरिकों को मुफ्त में सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड बूस्टर डोज लगाया जाएगा। सरकारी योजनाओं का डीएम कर रहे हैं निरीक्षण। नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल योजना की शिकायतें लगातार ही बढ़ती जा रही है। दरअसल बिहार सरकार के निर्देश पर राज्य में सरकारी योजनाओं का अचूक निरीक्षण किया जा रहा है। इस बीच इसकी शुरुआत बिहार के लखीसराय जिले से की गई, जहां जिले के डीएम संजय कुमार सिंह सहित जिला के 39 पदाधिकारियों की टीम ने अलग अलग पंचायतों में जाकर सरकारी योजनाओं का हाल जाना। इस दौरान जिले में अलग अलग जगहों से सबसे ज्यादा नल जल योजना की शिकायतें सामने आई है। निरीक्षण के बाद डीएम ने कहा कि निरीक्षण का उद्देश्य योजनाओं की जमीनी हकीकत जानना एवं व्यवस्था में सुधार लाना है। योजनाओं में गड़बड़ी व अनियमितता की शिकायतें मिली हैं, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। पंचायती राज विभाग ने मांगा ग्राम कचहरी सचिवों के कार्यों का मूल्यांकन। बिहार की पंचायती राज विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। पंचायती राज विभाग ने यह फैसला किया है कि अब ग्राम कचहरी के सचिवों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। पंचायती राज ने इसके आलोक में बिहार के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है और ग्राम कचहरी के कार्यों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट मांगा है। मालूम हो कि राज्य के सभी 8067 पंचायतों में ग्राम कचहरी का गठन किया गया है। हर ग्राम कचहरी में एक एक सचिव का पदस्थापन किया गया है, जिन्हें 6000 महीना मानदेय दिया जाता है। वहीं लंबे समय से कचहरी सचिवों के मानदेय बढ़ाने को लेकर कवायद चल रही है। यह मामला विकास आयुक्त के स्तर पर होने वाली बैठक में भी लाया गया है। इसी बीच इनके कार्यों के मूल्यांकन का आदेश निर्गत हुआ है। सुल्तानगंज में आज होगा श्रावणी मेले का भव्य उद्घाटन। करीब 2 सालों के बाद सावन के मौके पर भागलपुर के सुल्तानगंज में भव्य श्रावणी मेले का आगाज आज से होने वाला है। उद्घाटन समारोह में कई गणमान्यों के शामिल होने की बात कही जा रही है। इसके लिए खुद बिहार सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कार्यक्रम में महादेव के परम भक्त सह गायक बाबा हंसराज रघुवंशी बतौर प्रमुख कलाकार मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए हैं। आपको बताते चले कि श्रावणी मेला अगले महीने 12 अगस्त तक चलने वाला है। कार्यक्रम में कई कलाकार श्रद्धालुओं को भक्ति गीतों से मनमोहेंगे, तो वहीं कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में शाहनवाज हुसैन को कोर्ट में होना पड़ा हाजिर। बिहार सरकार में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन को आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े एक मामले में बीते दिन भागलपुर के MP MLA कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। हालांकि सुनवाई के बाद उन्हें बड़ी भी कर दिया गया, जिसके बाद अब उन्हें इस मामले में अदालत में पेश नहीं होना पड़ेगा। आपको बताते चले कि उनके खिलाफ यह केस बिहपुर में साल 2009 में दर्ज हुआ था, जिसके तहत उन पर चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप था। इतने दिन से वे जमानत पर चल रहे थे। हालांकि बीते दिन भागलपुर MP MLA कोर्ट में सुनवाई हो गई और उन्हें इस मामले में बरी कर दिया गया है। लालू प्रसाद के लिए तेज प्रताप ने वृंदावन में की पूजा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों भगवान की शरण में हैं और इस बार वह बड़े ही खास मकसद से वृंदावन पहुंचे हैं। दरअसल तेज प्रताप दिल्ली एम्स में भर्ती अपने पिता लालू प्रसाद यादव के जल्द ठीक होने की कामना करने के लिए खूब पूजा पाठ कर रहे हैं और इसी कड़ी में वह अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन में रुद्राभिषेक करते नजर आए। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें तेज प्रताप भगवान महादेव का रुद्राभिषेक करते दिख रहे हैं। तेजस्वी के बचाव में उतरी रोहिणी आचार्य। मंगलवार को बिहार विधानसभा शताब्दी समापन समारोह में तेजस्वी यादव भाषण के दौरान काफी नर्वस दिखे थे, जिसके बाद से ही भाजपा और जदयू उन्हें निशाने में ले रही है। तो वहीं अब तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य उनके बचाव में पलटवार किया है। रोहिणी ने ट्वीट कर लिखा है कि सवाल तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड करने वाले असमत के लुटेरों से था, सवाल तो जनता के हितों के नजरअंदाज करके पत्रकारिता धर्म को नीलाम करने वाले मीडिया के बंधुओं से था, मगर अफसोस पूरा सिस्टम ही उस नौजवान की बदनामी में लग गया और तिल को ताड़ बनाने में जुट गया। वहीं रोहिणी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि सवाल तो ये नहीं था किसने रुक कर बोला, किसने अटक कर बोला, कौन जुमला जीवी था या कौन टेलीप्रॉम्प्टर जीवी था, सवाल तो बिहार के विकास का था, सवाल तो बिहार के बेरोजगार नौजवान का था, सवाल तो कानून व्यवस्था की बिगड़े हालात का था, सवाल तो फिसड्डी बिहार बनाने वालों से था।
जदयू मंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिला शिक्षा को बताया जरूरी। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर भाजपा और जदयू के स्वर अलग अलग दिख रहे हैं। एक तरफ भाजपा जनसंख्या नियंत्रण के लिए लगातार कानून बनाने की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ जदयू इस वकालत से साफ लहजे में खुद को दूर रख रही है। इस कड़ी में बीते दिन जदयू नेता व मंत्री श्रवण कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी बताया। साथ ही कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर जदयू का स्टैंड साफ साफ है। सीएम नीतीश कुमार ने पहले ही साफ कर चुके हैं कि महिलाओं को शिक्षित कर हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार में श्रद्धांजलि सभा में की शिरकत। बीते दिन अपने पूर्व कार्यक्रम के तहत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बक्सर के सिमरी प्रखंड स्थित छोटका राजपुर में श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह के पिता विध्याचल सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस दौरान वे परिवार के लोगों को सांत्वना देते नजर आए, तो वहीं सीएम की सुरक्षा को लेकर बिहार और यूपी दोनों राज्यों की पुलिस तैनात थी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के आने की भी बात थी, मगर किसी कारणवश वे मौजूद नहीं हो सके। आपको बता दें कि सीएम योगी करीब 25 मिनट तक मंत्री के आवास पर रुके। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से हैदर्ज साल 1969 में आज के दिन जयपुर में मालगाड़ी और यात्री गाड़ी की टक्कर में 85 लोगों की जान चली गई थी। साल 1856 में आज के दिन प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल गणेश आगरकर का जन्म हुआ था। साल 1900 में आज के दिन प्रसिद्ध राष्ट्रभक्त स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार देशबंधु गुप्त का जन्म हुआ था। साल 1920 में आज के दिन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर राव चौहान का जन्म हुआ था। साल 1942 में 9वीं लोकसभा के सदस्य के कालीमुत्तु का जन्म आज के दिन हुआ था। साल 1896 में आज के दिन हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े सुप्रसिद्ध साहित्यकार राजा लक्ष्मण सिंह का निधन हुआ था। बोल्ट आफ्रीदी को पछाड़, टॉप पर पहुंचे बुमराह। 12 जुलाई को द ओवल लंदन में इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 19 रन पर 6 विकेट लेकर घातक गेंदबाजी करते हुए अपने करियर के बेस्ट फिगर को हासिल किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की लीड ले ली, तो वहीं बुमराह को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच अवार्ड से भी नवाजा गया। साथ ही इस प्रदर्शन के बाद उन्होंने आईसीसी एक दिवसीय गेंदबाजों की रैंकिंग में टॉप पर जगह बना ली है। बुमराह ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और पाकिस्तान के शाहीन शाह आफरीदी को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है। इस टिप्स को फॉलो करके बढ़ा सकते हैं इंस्टाग्राम रील्स के व्यूज और लाइक्स। इंस्टाग्राम पर इन दोनों फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रील्स बनाना काफी फेमस हो गया है। आप भी अगर रील्स बनाते हैं तो उनके व्यूज और लाइक्स को बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके तहत आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर रील्स बनाना होगा। ट्रेंडिंग टॉपिक पर बने रील्स को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, इस कारण आपकी रील्स की रीच भी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और उस पर व्यूज और लाइक्स आने की संभावना भी काफी बढ़ जाएगी। साथ ही लगातार वीडियो भी डालते रहें, इसमें गैप ना करें। बिहार में मिले कोविड 19 के 500 से ज्यादा मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 565 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 2510 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 7, अरवल में 7, औरंगाबाद में 2, बांका में 38, बेगूसराय में 4, भागलपुर में 89, बक्सर में 1, दरभंगा में 7, पूर्वी चंपारण में 2, गया में 23, गोपालगंज में 3, जमुई में 1, जहानाबाद में 12, कैमूर में 2, कटिहार में 2, खगड़िया में 20, किशनगंज में 1, लखीसराय में 3, मधेपुरा में 6, मधुबनी में 4, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 15, नालंदा में 10, नवादा में 5, पटना में 219, पूर्णिया में 19, रोहतास में 9, सहरसा में 6, समस्तीपुर में 1, सारण में 12, शेखपुरा में 3, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 3, सिवान में 6, सुपौल में 4, वैशाली में 2, पश्चिमी चंपारण में 4 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावे 4 ऐसे मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन उनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,20,293 सैंपल की जांच की गई। इस दौरान 398 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स ने सही जवाब दिया उनके नाम है रणजीत सिंह, मिसबाह अदनान, मनीष कुमार, राम अवतार ठाकुर, शायक अनवर, अतीक खान, दीपू तिवारी, सुष्मिता सिन्हा, प्रदीप कुमार सिंह, गुलाम मुस्तफा, कुमार कौशल सिंह, अखिलेश यादव, नेहा सिंह, नेहा प्रवीण, रविशंकर, सूरज कुमार, महावीर कुमार, मोहम्मद एहसान, बिट्टू शर्मा। आप सभी इसी तरह हमारे सवालों का जवाब कमेंट में देते रहें, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के
सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार क्या आप बिहार के सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं से संतुष्ट हैं या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, नमस्कार।